हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी और लाजवाब स्वीट कॉर्न चाट बनाने जा रही हूं, जिसे बनाने में सिर्फ 15 मिनट ही लगता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नई नई रेसिपी की वीडियो मिलती रहे। चाट बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम स्वीट कॉर्न को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। अब इसे उबालने के लिए रख देंगे। यह स्वीट कॉर्न चाट बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने के बावजूद भी काफ़ी टेस्टी बनती है, इसलिए आप लोग भी एक बार इसे बनाकर जरूर टेस्ट कीजिएगा। कॉर्न में 400 ग्राम के लगभग पानी डाल दी। अब गैस ऑन कर कॉर्न को ढक कर उबालने के लिए रख देंगे। कॉर्न बॉईल हो रहा है जब तक सब्जी को काट लेंगे। देखिए, मैंने कैप्सिकम, टमाटो और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। देखिए, कॉर्न अच्छा से बॉईल हो रहा है। कॉर्न अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, इसे ढक कर और बॉईल होने देंगे। कॉर्न बॉईल हो रहा है जब तक हम लोग चाट के मसाले को रेडी कर लेंगे। कढ़ाई गर्म कर इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गर्म होने पे इसमें कटे हुए प्याज को डाल लेंगे। 1 मिनट तक इसे चलाते हुए पका लेंगे। फिर इसमें कैप्सिकम डाल लेंगे। कैप्सिकम और प्याज को चलाते हुए थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। स्लाइस चीज का एक पैकेट भी इसमें डालने के लिए ले लेंगे। कैप्सिकम और प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया, अब इसमें टोमेटो को डाल लेंगे। इसे भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। चीज डालने से तो चाट का टेस्ट काफ़ी बढ़ता है, लेकिन आपके घर में चीज ना हो तो इसके जगह आप मेयोनीज भी डाल सकते हैं। सब्जी में टेस्ट के अनुसार नमक डाल लेंगे। नमक डालने के बाद सब्जी तुरंत सॉफ्ट हो जाएगी। कैप्सिकम और प्याज पक रहा है, तब तक हम लोग कॉर्न को देख लेते हैं। कॉर्न पक गया, अब इसका पानी निकाल लेंगे। यदि घर में चीज और मेयोनीज कुछ भी ना हो तो आप केवल इसे सॉस के साथ भी बना के खा सकते हैं। चीज और मेयोनीज के बिना भी यह चाट टेस्टी बनेगी, इसलिए आप लोग इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। कॉर्न का पानी अच्छी तरह से निकालने के बाद इसे सब्जी में डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब इसमें रेड चिली सॉस 2 चम्मच डाल लेंगे। मैंने गणेश का रेड चिली सॉस यूज किया है, आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। अब इसमें टोमेटो सॉस भी 2 चम्मच डाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्लाइस चीज का एक पैकेट डाल लेंगे। मैं रेसिपी की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। चीज मेल्ट होने तक इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। इस चाट में ऊपर से मसालों का स्प्रिंकल करने के लिए अजवाइन, जीरा और लाल मिर्च को पहले से ही भून कर पीस कर रख लेंगे, क्योंकि इन मसालों से भी चाट का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। चाट रेडी हो गया, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। चाट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब इसमें जो मसाला मैं बताई हूँ उन मसालों का स्प्रिंकल कर लेंगे। देखिए, चाट बहुत ही लाजवाब और टेस्टी दिख रहा है। अब इसे आप सर्व कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।